छपरा जिला के खैरा थाना परिसर में विभिन्न कांडों में जब्त शराब को जिला प्रशासन के आदेशानुसार उत्पाद अवर निरीक्षक अमित आनंद की देखरेख में मंगलवार को नष्ट किया गया, जिसमें देसी शराब 201 लीटर तथा देसी व विदेशी शराब शामिल था। आनंद ने बताया कि विभिन्न कांडों में जब्त शराबों को एकत्रित कर गड्ढे खोदकर शराब को विनष्ट किया गया है। वहीं इस संबंध में खैरा थाना अध्यक्ष मिथिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि शराब और इसके कारोबार को लेकर प्रशासन सख्त है, सरकार को लेकर क्षेत्र में लगातार छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि शराब के धंधे को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा, शराब कारोबारी पर नकेल कसी जा रही है। इस अवसर पर उत्पाद अवर निरीक्षक अमित आनंद शराब के विनिष्टीकरण में दंडाधिकारी के रूप में नगरा सीओ मुन्ना प्रसाद, खैरा थाना अध्यक्ष मिथिलेश प्रसाद सिंह, जावेद इकबाल, शत्रुधन प्रसाद सहित खैरा थाना के अन्य कर्मचारी भी उपस्थित थे। आज दिनांक 9/6/2020 को जिला दंडाधिकारी के आदेश पर खैरा थाना में विनिष्टीकरण किया जा रहा है। इसका अधिवन वार्ड संख्या है 79/20, 68/20, 67/20, 64/20, 65/20, 173/20, 172/20, 171/20, 170/20, 169/20। कुल मिलाकर देसी शराब 194 लीटर का विनिष्टीकरण किया गया और विदेशी शराब 7.380 लीटर का विनिष्टीकरण संपन्न हुआ। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।